Brought to you by ITEL Series. ITEL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. जरा सोच कर देखिए, गुजरात से उत्तर प्रदेश तक का सफर तय किया जाता है, क्यों? सिर्फ और सिर्फ किसी का कत्ल करने के लिए। ये इल्जाम ऐसे हैं जो आपके होश उड़ा कर रख देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के जहानाबाद के रोशनपुर गांव में रहने वाले 43 साल के हरीश चंद्र का शव पुलिस को दो दिन पहले मिला था। शव गाँव में बनी झोपड़ी से बरामद किया गया था। अब इस केस में पुलिस ने रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला खुलासा किया है। पुलिस के इस खुलासे से हर कोई सकते में, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दरअसल पुलिस ने मृतक हरीश चंद्र की पत्नी और उसके ही दो बेटों को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि मृतक की पत्नी ने ही दोनों बेटों के साथ मिलकर शख्स की हत्या की है। जिस समय हरीश चंद्र हैंडपाइप के पास सो रहे थे, उसी समय दोनों बेटों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान पुलिस ने हत्या की वजह भी बताई। बता दें कि शव मिलने के बाद मृतक के भाई ने पुलिस में तहरीर दी थी। पुलिस भी पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस को मृतक की पत्नी और उसके दोनों बेटों के बारे में पता चला। पुलिस को यह भी पता चला कि मृतक का अपनी पत्नी से विवाद रहता था और पत्नी 12 साल पहले ही अपने दोनों बेटों को लेकर चली गई थी। पुलिस को यह भी पता चला कि पति का अपनी पत्नी के साथ संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा था। ये बात पता चलते ही पुलिस ने मृतक की पत्नी और दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया। जब तीनों से पूछताछ की गई तो पुलिस का शक तीनों पर ही गहराता चला गया। दरअसल मृतक के दोनों बेटे कुछ ही दिन पहले गुजरात से यूपी आए थे। बता दें कि शक पक्का होने पर पुलिस ने तीनों के साथ सख्ती से पूछताछ की और पूछताछ में मृतक की पत्नी और उसके दोनों बेटों ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। तीनों ने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि मृतक ने 6 महीने पहले ही गाँव में बना हुआ मकान बेच दिया था। इसकी जानकारी उसकी पत्नी और बेटों को नहीं दी गई थी। आरोपी पत्नी को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, उसने पति की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। आरोपी पत्नी ने सूरत में रह रहे अपने दोनों लड़कों को बुलाया और मौका मिलते ही अपने पति के साथ ये कांड कर दिया। पुलिस से पूछताछ में पिता की हत्या करने वाले बेटों ने बताया कि पिता ने गांव के रहने वाले कैलाश को 1,40,000 रुपए में मकान बेच दिया। इसकी जानकारी माँ को लगी तो माँ ने हमें बताया। माँ ने कहा कि तुम दोनों बाहर रहते हो और तुम्हारा बाप तुम्हारे पीछे सारी संपत्ति बेच डालेगा। पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं आपको। दिनांक 14 फरवरी को थाना जहानाबाद पर सूचना दी गई कि ग्राम रोशनपुर क्षेत्रांतर्गत हरिश्चंद जो राजकुमार नामक व्यक्ति के पिता हैं, इनकी खेत पर हत्या कर दी गई। और इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना की प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन प्रारंभ की गई। अज्ञात में यह अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा घटना की गहराई से जब छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि मृतक के दो पुत्र जो गुजरात में रहते हैं, वो उक्त घटना को कारित करने के लिए गुजरात से चलकर घटनास्थल तक आए और उनके द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा घटना में सम्मिलित दोनों अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के षड्यंत्र में शामिल मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल को बरामद कर घटना के समय अभियुक्त गणों द्वारा पहने हुए उनके वस्त्र इत्यादि को भी बरामद किया गया है। मृतक के मोबाइल फोन को भी अभियुक्त गणों के कब्जे से बरामद किया गया है। इस प्रकार से पुलिस के द्वारा हमारी इंटेलिजेंस विंग की टीम की प्रभारी निरीक्षक श्रीमती विद्या यादव और उनकी टीम के द्वारा थाना पुलिस के साथ मिलकर इस घटना का 2 दिन के अंदर खुलासा करने और अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की गई है। यह अपने आप में ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया और इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या पैसों के आगे, संपत्ति के आगे रिश्तों का कोई मोल नहीं? और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कैसे अपनी पत्नी और अपने ही दो बेटे इन आरोपों के मुताबिक अपने ही सगे बाप को मार सकते हैं। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।